नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ग्लैमर वर्ल्ड में पावर कपल्स में से एक है। एक दूसरे को सपोर्ट करने से लेकर स्पेशल मोमेंट बनाने तक दोनों अक्सर कपल्स गोल देते नजर आते हैं। जिस तरह अनुष्का और विराट एक दूसरे के लिए दुनिया के सामने प्यार जाहिर करते हैं, इससे कई जोड़ियां प्रेरित होती हैं। विराट चाहे जितना भी बिजी हो, लेकिन वो अपनी लेडी लव अनुष्का के लिए समय निकाल ही लेते हैं। वहीं एक्ट्रेस भी अपने लविंग हस्बैंड के बिना एक पल भी नहीं रह पाती हैं। इसलिए तो जहां विराट कोहली जाते हैं, वहां अनुष्का भी पहुंच जाती हैं। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने रिलेशनशिप गोल देने के बाद 11 दिसंबर 2017 को इटली में गुपचुप शादी रचा ली थी। इन दोनों ने किसी को अपनी शादी की खबर नहीं लगने दी थी। उनकी शादी में कुछ करीबी लोग ही शामिल हुए थे। जब शादी की फोटोज सामने आई तो फैंस हैरान रह गए थे। शादी की फोटोज में अनुष्का और विराट की जोड़ी बेहद खूबसूरत दिख रही थी। 11 जनवरी 2021 को अनुष्का और विराट एक बेटी वामिका के पेरेंट्स बन गए हैं। अनुष्का और विराट अपनी मैरिड और पेरेंट हुड लाइफ को बहुत एंजॉय कर रही हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने पर हमारे हाथ अनुष्का शर्मा का एक वीडियो हाथ लगा है, जिसमें वो इंडियाज मोस्ट डिजायरेबल के टॉक शो में बात करते हुए नजर आ रही हैं। ये वीडियो साल 2011 और 2020 को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें अनुष्का शर्मा रोमांटिक हाव भाव के बारे में बात करती हुई नजर आ रही हैं। साल 2011 में जब अनुष्का शर्मा से पूछा गया कि क्या वो रोमांटिक हैं, इस सवाल के जवाब में अनुष्का शर्मा ने कहा था, रोमांटिक क्या है? अगर आप रोमांटिक हैं तो आपको क्या पसंद है? मेरे लिए बहुत छोटी चीजें मायने रखती हैं। मेरे लिए लड़का ऐसा होना चाहिए जो मेरी केयर करे, वो उस तरह से केयर करे जो उसके अंदर से नेचुरली आता हो। मेरे लिए यही रोमांटिक होना है। उदाहरण के लिए, अगर मैं बीमार हूं तो वो मुझे मेडिसिन दे और कहे आपके पास ये होना चाहिए, बिना कोई बड़ी बात कहे, मेरे लिए इतना काफी है। वहीं साल 2020 में ग्रेजिया इंडिया के साथ दिए एक इंटरव्यू में अनुष्का शर्मा ने रोमांटिक हाव भाव के बारे में जिक्र किया था। उन्होंने रोमांटिक हाव भाव के प्रति सोच इन 10 सालों में बिल्कुल नहीं बदला था। जब एक्ट्रेस से रोमांटिक जेस्चर यानी हाव भाव के बारे में पूछा गया, तब अनुष्का ने कहा था, मेरे लिए बहुत छोटी चीजें हैं, ये ध्यान रखने और केयर करने वाली चीज है। अगर मैं पानी की बोतल खोलने की कोशिश कर रही हूं तो मेरे बिना बताए वो मुझसे पानी की बोतल ले और खोलकर मुझे दे दे, भले ही वो टीवी देखने में बिजी हो। मुझे लगता है कि ये छोटे रोमांटिक जेस्चर बड़े रोमांटिक जेस्चर की तुलना में काफी ज्यादा रोमांटिक होते हैं। मुझे लगता है कि प्यार करने और देखभाल करने के लिए सिर्फ एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा ध्यान रखना और सहायक होना काफी है, और इस तरह का साथी होने से ज्यादा रोमांटिक और कुछ भी नहीं है। मुझे खुशी है कि मेरे पास एक है। अनुष्का के इस इंटरव्यू से समझा जा सकता है कि अनुष्का शर्मा को विराट कोहली छोटी छोटी बातों से ही रोमांटिक फील कराते हैं। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की मुलाकात एक शैंपू एड की शूटिंग के दौरान हुई थी। पहले तो दोनों अच्छे दोस्त बने, फिर कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला। विराट कोहली ने अपने एक इंटरव्यू में उस बात का जिक्र किया था जब वह अनुष्का शर्मा से पहली बार मिले थे। विराट कोहली ने कहा था, जब मैं अनुष्का से पहली बार मिला तो मैं बहुत नर्वस था। उनसे मिलते ही मैंने एक जोक सुना दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। मुझे लगा कि मैं फनी दिखूंगा। मैंने कुछ ऐसा कहा जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। अनुष्का की हाइट अच्छी है और वो हील पहनी थी, वो मुझसे ज्यादा लंबी लग रही थी। मैंने अपनी हाइट को लेकर एक बुरा जोक मार दिया। मैंने कहा कि क्या आपको इससे ऊंची हील्स नहीं मिली? फिर अनुष्का ने कहा, एक्सक्यूज मी। मैंने कहा कि मैं मजाक कर रहा था। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा फैंस को कपल्स गोल देते हुए नजर आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि विराट ने कभी भी अनुष्का को प्रपोज नहीं किया था? जी हाँ, विराट ने कभी भी अनुष्का को औपचारिक रूप से प्रपोज नहीं किया। विराट कोहली ने साल 2020 में फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री बातचीत में कहा था, मेरा ये मानना है कि अगर आप अपनी लाइफ खुलकर जीते हैं और प्यार खुलकर करते हैं तो उसके लिए स्पेशल डे नहीं होता है, हर दिन स्पेशल हो सकता है। हमें ऐसा कभी नहीं लगा कि हमें ऐसा करने की जरूरत है। हम जानते थे कि हम एक दूसरे से शादी करने जा रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं था। फिलहाल ये तो साफ है कि अनुष्का शर्मा अपने इन्हीं छोटे छोटे रोमांटिक हाव भाव के जरिए विराट के लिए अपना प्यार जाहिर करती हैं, और उनके लविंग हस्बैंड भी अपनी लेडी लव के लिए कुछ ऐसा ही करते हैं। तो अनुष्का के इस इंटरव्यू पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।